इनसिक्योरिटी आपको किसी को तारीफ नहीं करने देती है इब्राहिम फैमिली जो कंटेंट बनाती है वो फैमिली ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा है कोई जलन नहीं है आपस में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है दीपिका को तो जैसे उनकी इब्राहिम फैमिली तो मैं खुद फॉलो करती हूँ अविनाश तो राइटिंग में ज़्यादा रहता है लेकिन मैं उनके ब्लॉग्स फॉलो करती हूँ एंड uh, uh, मेरे बाद अगर एक्चुअली किसी का नाम ब्लॉगिंग में आया है वो दीपिका का आया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उनकी फ़ैमिली को देखती हूँ एंड शी कम्स अक्रॉस एज वी डोंट नो इच अदर हम लोग कभी मिले नहीं हैं कभी नहीं मिले हैं लेकिन uh, दीपिका से मेरा कनेक्शन बड़ा अच्छा है मेरे को मतलब ऐसा लगता है वी फील कनेक्टेड सबा uh, न, मेरे इंस्टाग्राम पे सबा का भी व्लॉगिंग uh, चैनल है वो मैं फॉलो करती हूँ तो मुझे वो फैमिली बहुत अच्छी लगती है और दीपिका एज अ पर्सन मुझे बहुत अच्छी लगती है जितना मैं समझ पाई हूँ क्योंकि व्लॉगिंग में काफ़ी हद तक आपको एक इंसान का समझ में आ जाता है तो मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है बट uh, मुझे लगता है कि जब भी हम लोग मिलेंगे एक अच्छे uh, नोट पे मिलेंगे हम लोग हाँ uh, हमने हमेशा व्लॉगिंग में एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सपोर्ट किया ने है एंड मुझे लगता है हाँ बींग ब्लॉगर्स मैं जितना बोल सकती हूँ मैं बोलूँगी कि दीपिका को फॉलो करो एंड वैसे ही वो बोलती है मेरे बारे में अच्छा मैं हमेशा देखती हूँ कि कुछ ना कुछ ब्लॉग में अच्छा बोला है बट आई आई स्टिल रिमेंबर मैंने एक कभी कि कोई प, वो बहुत पर्सनल है वो मैं शेयर नहीं करूँगी कैमरा पे लेकिन आ, किसी पर्सनल काम के लिए मैंने दीपिका का नंबर फाइंड आउट करके और दीपिका को फ़ोन किया था एंड वो हमारी एक बार बात हुई थी पाँच मिनट की एंड दैट्स इट लेकिन वो इतना पर्सनल है क्योंकि वो फैमिली से रिलेटेड चीज़ होती है तो किसी सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए बट दैट्स हाउ वी स्पोक टू इच अदर एंड दैट वॉज ओनली वंस नहीं बहुत अच्छा रिएक्शन था बिकॉज ये बहुत कम होता है इसके लिए ना आपको सिक्योर होना ज़रूरी है और वो फैमिली में सभी लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि सब लोग सिक्योर हैं उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तब, आदमी तभी अप्रिशिएट कर सकता है जब वो खुद उसके घर में फल लगे हुए हैं तो वो इनसिक्योरिटी होती है इनसिक्योरिटी आपको किसी को तारीफ़ नहीं करने देती है आप बहुत ही भरे हुए लोग आप बहुत बहुत सिक्योर लोग हो तभी आप दूसरे की तारीफ करते हो तो मैंने हमेशा उस फैमिली से हमारी तारीफ ही सुनी है तो कोई जलन नहीं है आपस में आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तो वो उनके ब्लॉग अच्छा कितने भी अच्छा करें वी फील वेरी हैप्पी और पहले YouTube क्या था बहुत ज़्यादा टीन के लिए था अब जाके ऐसा हो गया कि मेरी मम्मी के हाथ में भी YouTube है उनको भी पता है कैसे चलाना है तो अब फैमिली कॉन्टेंट की बहुत ज़रूरत है और इब्राहिम फैमिली जो कंटेंट बनाती है वो फैमिली ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा है और सब लोग तभी भी इसलिए उन्हें इतना प्यार देते हैं